नाउ नेक्स्ट वन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेसिंग सी लैंग्वेज। जनरली किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है, सब मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस को जस्ट एलोकेट कराने के टू अप्रोच पॉसिबल होंगे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का अदर नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एलोकेशन। सिमिलरली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का अदर नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज रन टाइम मेमोरी एलोकेशंस। क्लियर, इन सभी प्रोसेस को मैं काफी डेप्थ में डिस्कस करूंगा। देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट केस होगा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग केस है, इसलिए मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है आईएमपी। क्लियर, देन इन टॉपिक्स को डिटेल्स में स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहूंगा ऑल कवर्ड टॉपिक्स ड्यूरिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस के स्मॉल स्मॉल पार्ट डिफरेंट डिफरेंट सेशन में कवर करेंगे वन बाय वन इन डिटेल्स। क्लियर, फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोसेस ऑफ मेमोरी एलोकेशन। मीन्स मेमोरी एलोकेशन का जस्ट पर्पज क्या, मीनिंग क्या, लाइक दैट रिलेटेड टू मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। देन फाइनली डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट सेशन जस्ट कवर करेंगे अबाउट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस डायरेक्टली समझने से पहले आपको डिटेल्स में क्लियर होना चाहिए अबाउट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस क्लियर नहीं देना, आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को जस्ट कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा या इसके एडवांटेज समझना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले क्लियर क्या होना चाहिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। मोस्टली आपके माइंड में सेट रहता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स जस्ट इस केस में एलोकेशन का परफॉर्म होगा कंपाइल टाइम पर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में आपका माइंड सेट रहता है इस केस में जस्ट एलोकेशन का परफॉर्म होगा रन टाइम। दोनों में काफी बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको क्लियरली समझना होगा। क्लियर, नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कंपेरिजन बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देन फाइनली व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या था, जस्ट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स हैं तभी इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में न्यू टॉपिक एज न्यू कॉन्सेप्ट एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। देन ओवर द एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक देन फाइनली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे मैलॉक कैलॉक रियलॉक एंड फ्री फंक्शन। जिस टाइप से एलोकेशन पॉसिबल है सिमिलर टाइप से डी एलोकेशन भी पॉसिबल होगा। सारे प्रोसेस प्रैक्टिकली कंप्लीट करें फाइनली। देन अगेन अगर कोई आपके पास कॉन्सेप्ट अगर उसका एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली जिस टाइप से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का डिसएडवांटेज है सिमिलरली डिस्कस करेंगे लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस एंड वे ऑफ एक्सेसिंग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्लेसिंग। मीन सपोज दैट अगर आपने किसी भी वेरिएबल के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करा सेम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस, लेकिन इन लोकेशंस को एक्सेस करने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस क्या है, वो दोनों ही केस कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन फाइनली इस टॉपिक को कवर करने के बाद डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स एंड सम प्रैक्टिस प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्पेशली। क्लियर, देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड काफ़ी मेजर और काफ़ी यूजफुल एग्जाम्पल्स कवर करेंगे फ्रॉम टेस्ट और सी स्किल बुक। काफ़ी पॉपुलर हो गया इसके अंदर सी लैंग्वेज रिलेटेड हाई लेवल के काफ़ी अच्छे पॉपुलर एग्जाम्पल्स अवेलेबल हो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। देन फाइनली डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएटिंग वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। फाइनली नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे वन बाय वन दीज टॉपिक्स। क्लियर,